नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। छोटा दुकानदार, उसके पास कैश नहीं है। लेबरर्स, उनके पास पैसा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिली। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। ये अच्छा दिन का नाम पे पूरा गया हिंदुस्तान, इसका पीछा में क्या विजय एजेंडा है? डीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन बोथ आर बिग बिग करप्शन। इट इज अ टोटली इट्स अ आई डोंट नो व्हाट इज द हिडन एजेंडा दैट कंट्री विल सी टुमारो। टुमारो मींस आगा आने वाला दिन में। लेकिन अच्छे दिन के नाम पे आप लोगों ने पूरा लूट लिया देश को। किसान को लूट लिया, गरीब को लूट लिया, मजदूर का लूट लिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया। आज 10 करोड़ से ज्यादा आदमी आज बेरोजगार है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लोगों का भरोसा नहीं है। ये तो आप लोगों ने समझ में नहीं पाया। फिर कहता और भी कड़ा कानून आएगा, कड़ाई दवाई देगा। क्या कड़ा कानून गया है? फिर कहता है घर घर में क्या सब लूट लेंगे? पॉलिटिकल पार्टी तो पावर में आते ही चला जाता है। ये हमारे डेमोक्रेसी का परंपरा होता है। डेमोक्रेसी कंटिन्यूस एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड ऑल दिस। हमारा बाबा साहब अंबेडकर, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, चाहे हमारा देश का जितना भी जाने माने हमारा देश का हस्ती हो जो देश के लिए काम किया है, मेरे को पता नहीं। फॉरेन में जितना रुपया था वो कोई भी नहीं गया। लोगों ने कहते हैं कितना साबुन मांगा, क्या साबुन है, कौन डिजिटल है? ये साबुन का इतना अच्छा चीज है कि खाली वो सदा हो गया और सब काला हो गया, सब काला हो गया। अरे ये तो वे लोग तो जमा हो गया, तो रुपया था बाहर में जो भी मन करे किसी की जो किया और रुपया तो पूरा जमा हो गया, तो अब काला हो गया था। मेरे को देखो इतना एजुकेशन से नहीं है, इतना समझते भी नहीं है, छोटा सा एक वर्कर है मिट्टी का, वो पन्न बगड़ बगड़ किया निकाला था, तो उसमें क्या हुआ, कितना रुपया बाहर में पड़ा है, उसका ठीक नहीं है। कितना पॉलिटिकल पार्टी को देखो फॉरेन में वो अकाउंट है, वो चीजें क्या होगा और रुपया लेके देश का जनता को डाल दो। हम लोग एक टाइम में सपोर्ट कर दे, पूरा सपोर्ट कर दे, क्या है देश के लिए होगा, देश के लिए हित में कोई काम करेगा तो पूरा सपोर्ट करेगा हम लोग। ये क्या है पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं तो बोलते हैं पहले मायावती को पकड़ा, उसका मुलायम को पकड़ा, उसका कल्याण को पकड़ा, उसका ममता को पकड़ा, उसका लालू को पकड़ा, उसके बाद